डोनबास रीजन से हमारे पास आ रही है। यूक्रेन के लुहांस्क में रूस ने बड़ा हमला बोला है। धमाके के बाद आसमान में दिखा धुएं का गुबार। रूस की सेना ने लुहांस में कई जगहों पर हमले किए हैं और इन हमलों के मायने क्या है, मतलब क्या है, ये समझने की कोशिश बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रोफेसर कपिल कुमार, देखिए लुहांस्क में हमले कर रहा है रूस, इसका क्या मतलब है? लुहांस्क और डोनेस्क को अलग कंट्री घोषित किया, वहां पर तो उसके अपने लोग भी हैं। मैं दो चीजें बता रहा हूँ आपको। शाम तक, जब तक ये नाटो की मीटिंग होगी ना प्लानिंग की, उससे पहले तक आप देखिए यूक्रेन में कितने शहर तबाह हो चुके होंगे रूस की तरफ से, पहली बात। और शाम को मेरे से लिख के रख लीजिए, आज अगर बाइडन की जगह मैं हूँ ना तो जुनेस्की को लाके वहाँ पे ब्रुसेल्स में बिठा के, ब्रुसेल्स में बिठा के फिर उसके वहाँ भाषण देके दिया जाएगा। ये रूस का रिटालिएशन होगा, आप कह रहे हैं शहरों को बर्बाद कर देगा, ये रूस इसी तरह से रिटालिएट करेगा। ये वॉर है मैडम, और ये अंग्रेजों की हुई बात है। सर ये सीधा सीधा चैलेंज है क्या सर? लेकिन जेलेंस्की के राष्ट्रवादी हौसलों को देखिए सर। हाँ जी, उन्होंने 29 दिन तक रूस जैसे मजबूत कंट्री को रोक के रखा। जी, ऐसा पागल मतलब दिखाएंगे कि हम किसी से कम नहीं, हम सीधा अमेरिका के हमारे ऊपर बढ़े हैं के कहने पे। इसे आप राष्ट्रवाद कहेंगे? मतलब अमेरिका के अपने देश को बचाना नहीं चाहिए था उन्हें? अमेरिका के हाथ की कठपुतली है वो, राष्ट्रवादी नहीं। देखिए हमारे पास समय समाप्त हो चुका है और हम अपने कार्यक्रम के आखिरी समय पहुंच चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। महायुद्ध की तमाम बड़ी खबरें, तमाम तस्वीरें TV9 भारतवर्ष पर आप लगातार देखते रहिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।